देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जहां पर आपको बता दें कि 1 जनवरी को सीएम योगी रामपुर दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो रठौड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है और सीडीओ गजल भारद्वाज ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। और इस दौरान अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने जिले की साफ सफाई को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अभी तैयारियों का यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है और सभी तैयारियों के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश सफाई व्यवस्था के निर्देश तथा सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए अगली खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में भाजपा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जंगीपुर क्षेत्र में इस सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें यूपी के पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल ने बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के हित में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एमएसपी लागत मूल्य बढ़ाकर 1.5 गुना किया है और किसानों के विकास के लिए भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा 131 विधानसभा में पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा के समर्थन में भाजपा नेता मुन्ना सिंह नवादा ने बाइक रैली निकालकर जनसंपर्क किया। इस दौरान विधानसभा प्रचारक मुन्ना सिंह नवादा ने जिला पंचायत सदस्य अरुण प्रताप सिंह के साथ हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। रैली में भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार कर जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने का भी आह्वान किया गया। इसलिए बुलाई गई है कि 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो जन सहयोग योजनाएं चलाई गई उनके बारे में बताना तथा हमको अपनी ताकत दिखाना है भारतीय जनता पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग विश्वास रखते हैं, इसलिए जन विश्वास यात्रा निकाली गई है। ये रैली का तो स्टार्टिंग बदायूं से हुई है और ये शाहजहांपुर तक जाएगी, लेकिन आज हम लोग जो है कटरा में हम लोग जाएंगे। और अगली खबर सोनभद्र से है, जहां ग्राम सभा सिरसोती के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि विद्यालय में कुल 9 शिक्षकों में से मात्र 1 शिक्षक ही उपस्थित मिले हैं, जबकि उनसे अन्य शिक्षकों के बारे में जानकारी ली गई तो वो मीडिया से बचते नजर आए और सवालों से भागते नजर आए। और अब इस मामले में विद्यालय के प्रिंसिपल कौशल्या देवी से फोन पर बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनका नंबर स्विच ऑफ पाया गया। और इस मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वो विद्यालय के औचक निरीक्षण करके अवश्य ही इस पर कार्यवाही करेंगे। आपका मधुकर नारायण, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही के रहने वाले। ये बताइए, यहाँ पे अध्यापक वगैरह हर समय आते हैं? नहीं आ रहे हैं, तो 2 ठो 3 ठो 4 ठो बस, आज 1 ठो ये है बस, बाकी सब बोल रहे हैं, अकेले ही हैं। हाँ बस, और यही सब। वही देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के राघवापुर गांव के पास अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब एक अनियंत्रित ट्रक एक कच्चे मकान में घुस गया, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी होते ही जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि सुबह तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक अचानक एक कच्चे मकान में घुस गया था, जिसकी वजह से परिवार के लोग ट्रक की जद में आ गए, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं पर मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने ट्रक में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। जेसीबी मशीन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। वहीं पर मौके पर इस वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ भी जुटी है। एक गिट्टी से भरा हुआ ट्रक जो है, रात भर पूरी बारिश होती रही है, उसमें वो स्लिप करके जो बगल में कच्चे मकान कुछ बने थे जो बांसपुर समुदाय के लोगों के थे, उसके अंदर वो रनओवर कर गया और उसमें अभी तक कंफर्म 2 कैजुअल्टीज़ हैं और 3 लोग घायल हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये लगभग घटना 7:45 की बताई जा रही है। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग एम्बुलेंस और पुलिस
सभी लोगों ने एक्टिव होकर इसमें काम को अंजाम दिया है। इस समय हम देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रघवापुर में मौजूद हैं। यहाँ बता दें कि ट्रक हादसे में दो व्यक्ति की तत्काल मौके पर ही मौत हो गई और दो व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, और उनसे हम परिजनों से जानना चाहेंगे कि क्या मुआवजा के लिए क्या बात चल रही है और क्या आगे की उनकी सुबह 7 बजे हुआ भैया, मौके पर थी हम लोग, मम्मी बताई हम, मेरे भतीजा थे, मेरे चाचा का लड़का था, वो मौके पर उनका मृत्यु हो गया है। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं सर, हमको कहीं हम लोग ठिकाना लगाए, रहने का व्यवस्था लगाए, जमीन अपना गांव में खाली है, हम लोग दिलवाए, आज 4 मरे कल 8 मरेंगे। अच्छा, आप लोग आवास नहीं मिला? नहीं मिला है सर, एक बार नहीं, हम लोग कितने बार बोल चुके हैं आवास के लिए। जैसा कि झुग्गी झोपड़ी वाले लोग बता रहे हैं कि आवास नहीं मिलने के कारण यह हादसा, बड़ा हादसा हो गया है आज, और ऐसे ही प्रशासन की निंदा की जा सकती है। मैं प्राइम टीवी के साथ रवि रावत, देवरिया। इस समय हम देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रघवापुर गांव में मौजूद हैं। यहां बता दें कि ट्रक हादसे में 4 व्यक्ति घायल हो गए थे, जिसमें 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, और दोनों व्यक्ति को, जो व्यक्ति घायल है, उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। और यहां प्रशासन की काफ़ी उदासीनता देखी जा रही है, जो झोपड़ी यहाँ है उनको आवास नहीं मिलने के कारण इनकी मौत हो चुकी है, और कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे में ये बड़ा हादसा हो जाए। वहीं सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग की भी घोर लापरवाही उजागर हुई है, जहां एक पीड़ित मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। दरअसल जिला अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 27 मरीजों की आंख की रोशनी चले जाने की खबर मिली है। एक मरीज के परिजनों ने जहां डॉक्टरों की लापरवाही लगाई है, वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग आंखों की रोशनी जाने की वजह इन्फेक्शन बता रही है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार सभी मरीजों को हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिली है कि इन मरीजों की आंख का ऑपरेशन 2 दिसंबर को हुआ था। ऑपरेशन के बाद उनकी आंख में न सिर्फ सूजन आई बल्कि खून भी निकला था। परिजनों के मुताबिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हल्की क्वालिटी के लेंस लगाए गए थे, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। इसके बाद परिजनों ने मरीजों को निजी अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने भी पूरे मामले पर जवाब दे दिया है, जिसके बाद मरीजों को हायर सेंटर ले जाया गया है। फिलहाल पूरे मामले में सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सहारनपुर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि परिजनों ने जो मरीज थे उनके साथ में लापरवाही करने का आरोप इस वक्त स्वास्थ्य विभाग पर लगाया है। आपको बता दें कि 27 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन सेठ बलदेव दास बाजोरिया जिला चिकित्सालय जो है वहां पर करवाया गया था, लेकिन उसके बाद 27 मरीजों की आंखों की रोशनी चल गई। वहीं इसी पूरे मामले पर क्या कुछ पीड़ितों का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ग्राम सगुन बंसले में ग्राम जीवाला से हूं, और यहां पे सरकारी हॉस्पिटल सहारनपुर में मेरी ताईजी ने ऑपरेशन किया करवाया था आँख का, और 27 लोगों का उस दिन ऑपरेशन था, और सभी की आँखों का रोशनी चली गई, और कुछ लोग तो ऐसी भी है जो गंभीर हालत है, और ताईजी का मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ है, आँखों की रोशनी चली गई है, और अब जा PGI में जोली ग्रांट इसमें चंडीगढ़ इसमें रेफर है अभी। ये मुझे आपके मीडिया के माध्यम से पता लगा ये कि 27 लोगों का कल, लेकिन कल लिखित में मेरे पे एक शिकायत आई है कल, और उनके पुत्र ने शिकायत की है, प्रमोद गुप्ता उनके फादर का नाम है, वो पीड़ित हैं, तो उन्होंने बताया कि 2 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद जो है उनको आंखों में कुछ दोबारा उन्होंने चेकअप के लिए दिखाया, तो उसमें रोशनी की कुछ दिक्कत है, कुछ कोई समस्या है उनकी, तो उस विषय में ये जाँच पूरी SIC से मैं बात करूँगा अभी, जो ये यहाँ की इंचार्ज हैं पुरुष अस्पताल की, और उसके बाद फिर एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी, इसके अंदर आई सर्जन लिए जाएंगे मेडिकल कॉलेज के, प्राइवेट के और यहाँ के, तो उसके बाद फिर। वही इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहारनपुर संवाददाता सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सोहेल, सहारनपुर में जिला अस्पताल की घोर लापरवाही सामने आई है, जहाँ 27 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सहारनपुर के जिला अस्पताल के अंदर अभी गत जो है ऑपरेशन किए गए थे 2 दिसंबर को, जिसके अंदर ऑपरेशन आंखों के मोतियाबिंद के इलाज के लिए ऑपरेशन किए गए थे जी। जिसके अंदर जो है परिजनों को बाकायदा इलाज करके छुट्टी कर दी गई थी, और छुट्टी करने के बाद जो सभी पेशेंट थे वो अपने अपने घर गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी आंखों में स्वेलिंग आने लगी, सूजन आने लगी, और सूजन के बाद उनकी धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली गई।
जिसके बाद जो है सात मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट किया गया है। अब परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि इसके अंदर डॉक्टरों ने घोर लापरवाही बरती है और छुट्टी करने के चक्कर में जल्द ही जो है मरीजों को घर भेज दिया गया, जिसके बाद जो है एक इंफेक्शन के चलते इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। जी सोहेल, किस प्रकार से देखते हैं आप, जिस तरह से बयान जारी किया गया है अस्पताल की तरफ से, इन्फेक्शन 27 मरीजों में एक ही तरह का जिनका एक ही दिन ऑपरेशन हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो है बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे सीएमओ कार्यालय और उन्होंने वहां पर जो है जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सीएमओ ने अब जाकर एक जांच टीम बनाई है और इसमें जांच कर उचित कार्रवाई की जो है सीएमओ बात कर रहे हैं। जी सुहेल, वही आपने इस पूरी खबर पर सीएमओ से बात की थी, उनकी एक क्लिप हमने देखी है जहां पर सीएमओ ये कहते दिख रहे हैं कि मीडिया के जरिए उन्हें इस पूरी खबर के बारे में पता चला है। 27 लोगों का ऑपरेशन एक ही दिन होता है, सभी की आंखों की रोशनी चली जाती है और उन्हें अभी तक पता ही नहीं है इस मामले के बारे में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सीएमओ महोदय को जो है हमने कल का ये प्रकरण है तो कल जब हमने उनसे शाम बात करने की कोशिश की थी तो जिला चिकित्सालय ने इससे पल्ला ही झाड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, कारिती नहीं हुई है। वो तो जब हमने आज सुबह जो है मीडिया में जो है ये खबर वायरल हुई और उसके बाद जो है सीएमओ जागे और उन्होंने फिर जो है ये बाइट दी और इसे छुटकारा कि हाँ इस तरह की कोई घटना कारित हुई है और तब जाकर उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात की। जी सुहेल, बाकी जो ये 27 मरीज हैं जिनकी आंखों की रोशनी इस वक्त अस्पताल की लापरवाही की वजह से जा चुकी है, उनका क्या कुछ हाल है, क्या कुछ उनकी अभी स्थिति है? जी बिल्कुल, परिजनों का कहना है कि देखिए आंख से कीमती इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं हो सकता और वो लोग जो है जिला चिकित्सालय आए थे तो अपना जो है मोतियाबिंद का इलाज कराने के लिए आए थे, ऑपरेशन कराने के लिए आए थे ताकि उनकी आंखों की रोशनी आ पाए, लेकिन विभाग की घोर लापरवाही के चलते जो है उनकी आंखों की रोशनी ही चली गई। तो अब ये तो बड़ा जो है दुखद पल है कि उन लोगों को जो है आजीवन अपने इलाज कराने पड़ेंगे और उनकी आंखों की रोशनी वापस आए ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुहेल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहारनपुर से आपको खबर बता रहे थे जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर अस्पताल की लापरवाही की वजह से 27 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। वही अगली खबर रायबरेली से आपको बता रहे हैं, जहां ऊंचाहार कोतवाली के इंदिरा नगर चौराहा कंदरवा गांव में जमीनी विवाद और कानूनी रंजिश में बेखौफ दबंगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य और उसके परिवार को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा और इससे भी जब दबंगों का दिल नहीं भरा तो दबंगों ने खड़ी बुलेरो में भी जमकर तोड़फोड़ कर दिया। आपको बता दें कि जिसके बाद पीड़ित ने दुकान का शटर बंद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। मामला तो जो है चुनावी रंजिश के लेकर के काफ़ी दिन से चल रहा था और आज एक छोटी से ज़मीन को लेकर विवाद हुआ, जिसके थाने हम लोग गए थे, थाने ले गए थे सिपाही लोग और वहाँ जो है कुछ लोग सम्मानित लोग आकर के गांव के पास पड़ोस के लोग उन्हें सुलह समझौता करवा दिया, जिसको जिससे हम लोग घर चले आए। उसके बाद घर से लड़कों को अपने बड़े लड़के को साले को जो है सब्जी लेने के लिए, बारिश हो रही थी तो बुलेरो लेकर के चले आए वो लोग सब्जी लेने के लिए। और यहाँ पे जो रमेश है, रमेश सूरज और चंदू और इनके और मतलब जो यार दोस्त हैं वो लोग पहले से गुट बनाकर यहाँ बैठे थे और हमारे लड़कों को घेर लिए और पूरी तरह से बुलेरो क्षतिग्रस्त कर दी और लड़कों को पूरा मारने की कोशिश किया और जब उनकी जान नहीं बच पाई तो एक नाई की दुकान में जा करके वो लोगों ने मैनपुरी से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकार गौवंशियों की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं कई जगह गौशाला बनवाकर उनकी देखभाल के लिए भी क्षेत्रीय कर्मचारी रखे गए हैं, लेकिन उनकी देखरेख के अभाव में भूख और प्यास के अलावा सर्दी के प्रकोप से तड़प तड़प कर कई गायों की मौत हो चुकी है। वहीं गौशालाओं में कैद भ्रष्टाचार जो है वो साफ उजागर होता मैनपुरी में इस वक्त दिखाई दे रहा है। चारे कमी है, हरे चारा नहीं है इसमें दाना? और दाना भी कम है। क्या जो गायें मृत अवस्था में पहुंच रही हैं, क्या आपको लगता है ये भूख से या बीमारी से हैं? सर्दी का मौसम भी है और चूंकि हरा चारा कम है वो दिखाई पड़ता है, मैंने बताई दिया आपको, हरा चारा बढ़ाया जाएगा, उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। पूरा मामला ये है सर कि नगर पंचायत घरोर द्वारा एक गौशाला संचालित की जा रही नगर घरोर में गुड़ी रोड स्थित, उसमें आए दिन गायें मर रही हैं। उनको जब कल एसडीएम साहब ने दौरा किया तो उसमें ये पाया कि वहाँ पर उनको चारा नहीं मिल रहा है, हरा चारा नहीं मिल रहा है, दाना नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के एसडीएम साहब ने खुद कहा कि इनको चारा नहीं मिल रहा है। उन्होंने वहाँ पर मौजूद डॉक्टर से पूछा कि इनको चारा नहीं मिल रहा है,
जब सरकार अनुदान दे रही है, सरकार का अनुदान मिल रहा है, तो ये गायों का चारा ये लोग कौन खा रहे हैं, कौन लोग खा रहे हैं जो गायों को चारा नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी गौरक्षा सेवा समिति ने डीएम साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया है। इसलिए उनसे केवल इतनी ही मांग है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, इस भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो और उनके खिलाफ। वही फतेहपुर के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के हजुहा कस्बे में बने स्टेट बैंक में शॉर्ट सर्किट के चलते स्टेट में बने ब्रांच ऑफिस में आग लग गई, जिसके कारण बैंक के फर्नीचर और कंप्यूटर जलकर राख हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कैसे हुई, क्या क्या हुआ है ये बताएं सर? ये बता रहे हैं सर कि लाइट की वजह से आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से। शॉर्ट सर्किट हुआ है जी सर। तो क्या बैंक कर्मी वगैरह को लोग पहुंचे हैं यहाँ पर? सभी आ गए हैं सर, मैनेजर साहब भी आ गए, जो नजदीक के कर्मचारी थे सारे सभी लोग आ गए हैं। अजवा चौकी के प्रभारी साहब का बहुत अच्छा योगदान रहा। वहीं शाहजहांपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जो प्राइम टीवी के संवाददाता ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और चौक चौराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मचारियों से पूछताछ की तो कहीं भी किसी चौराहे पर अलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसे में फुटपाथ पर रहने वाले लोग और पुलिस कर्मचारी सड़कों के चौक चौराहे पर रात बिताने वाले लोग ठंड से कांप रहे हैं और लकड़ियां खरीद कर अलाव जलाने को मजबूर है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रात के समय पूरे प्रदेश में जो तापमान है उसमें भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं शाहजहांपुर में अब नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर रात में ठंड में अब जीवन बिताने को लोग जो है वो मजबूर हैं। जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं और जो चौक चौराहे पर पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं उनके लिए अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बता दें कि प्राइम टीवी के संवाददाता ने कई चौराहों पर जाकर पूछताछ की तो सभी जगह की स्थिति जो थी वो सामान्य दिखाई दी है। नगर निगम की लापरवाही हर तरफ से वो बिल्कुल सामान्य दिखाई दी है, जहां पर आपको बता दें कि एक समान स्थिति है पूरे जिले की, जहां पर एक किसी भी जगह पर अभी तक अलाव का इंतजाम नगर निगम की तरफ से नहीं किया गया है। जा रहे थे तो हमने रुकाकर फिर डलवाई, मतलब वो तो विद्या प्लाई बोर्ड वाले डालते होंगे, नगर निगम से लकड़ी पड़ रही है नहीं? हाँ, कोई लकड़ी नहीं। वही अगली खबर रायबरेली से है, जहां भदोखर थाना क्षेत्र के भूकेमऊ गांव में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में तीन युवकों की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला रायबरेली के बदोखर थाना क्षेत्र के भूकेमऊ गांव का बताया जा रहा है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद से मौके पर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची सीओ सिटी वंदना सिंह स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची हुई थी मौके पर, उन्होंने मामले को किसी प्रकार से शांत करवाया। एक्सीडेंट में यही पता चला अटेंडेंट के द्वारा कि दो तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए हैं और इसको कुछ सांसें चल रही थी लेकर आयल जो रास्ते में एक्सपायर हो गया, यहाँ आते थे एक्सपायर हो चुका है, जिसको मैंने चेक किया, चेक करने में मृत अवस्था था, जिसको मर्चुरी में बॉडी रख दी गई है पोस्टमार्टम के लिए। ये मलिहा का पुरवा का रहने वाला है, भदोकर थाने का, और एक्सीडेंट में इसका हो गई है, एक्सीडेंट हुआ उसमें। रायबरेली से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। जो आपको बता दें कि बदोखर थाना क्षेत्र के भूकेमऊ गांव में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से तीन युवकों की मौत हो गई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे रायबरेली संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ओम शंकर, रफ्तार का कहर रायबरेली में देखने को मिला है, जहां पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, तीन युवकों की मौत की खबर है, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, ये कहीं ना कहीं जो है वो कल बारिश के कारण फिसलन भी थी और मौसम नम होने के कारण, हालांकि जो ट्रैक्टर लगे हैं ये सारे ट्रैक्टर रात में खनन करते हैं, ये घटना देर रात की है। वहीं पर तीन मोटरसाइकिल से सवार होकर युवक जा रहे और लेकिन ओवरटेक करने के चक्कर में वो ट्रैक्टर से टकरा गए और स्थिति ये बनी कि तीन के दो लोग ऑन स्पॉट वहीं पर खत्म हो गए, एक अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। जी, वहीं इसी पूरे मामले पर स्थानीय लोगों का हंगामा भी देखने को मिला, क्या कुछ ये पूरा मामला है? हाँ, स्थानीय लोगों का है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर जितने भी ट्रैक्टर हैं रात में उस क्षेत्र में वो सब खनन करते हैं, जहाँ से अवैध रूप से मिट्टी
खोद कर जो है दूसरी जगहों पर ले जाई जाती है और जो है उसी में सब ट्रैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं और सिर्फ जल्दी के बारे कि जितने चक्कर लगा देंगे उतनी जल्दी जो है उनका पैसा तैयार हो जाएगा। इस चक्कर में ओवर स्पीड होकर तेज रफ्तार से ट्रैक्टर निकलते हैं, उसी के चक्कर ग्रामीणों ने बवाल काटा। हालांकि मौके पर सीओ सिटी ने और भदोखर थाने की पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझा बुझा कर शांत किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अवैध खनन कर रहे ये ट्रैक्टर ये रोज किसी न किसी को अपना शिकार बनाते हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है नाकाम है इनको रोकने के लिए। जी ओम शंकर, जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि सीओ सिटी मौके पर पहुंची हुई थी जहां पर उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया है, ऐसे में जो ये अवैध खनन है इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या इस पर अब लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए कि समय समय पर एसडीएम और संबंधित थाने की पुलिस छापेमारी करती, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत इनकी जरूर सामने आती है, क्योंकि जब फोन करो तो फोन नहीं उठता और जब ट्रैक्टर चले जाते हैं, जब खनन हो जाता है उसके बाद ये पुलिस बल और खनन अधिकारी जो है मौके पर पहुंचते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश बना रहता है कि इनको जब फोन करने में बुलाया जाता तब नहीं आते हैं, जब मौके पर कुछ नहीं मिलता तब ये लोग पहुंचते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रायबरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे थे जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर के चपेट में आने से बाइक सवारों की मौत की खबर सामने आई है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।